नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी। आप देख रहे हैं lallantop.com के पॉलिटिकल किस्से। कुछ लोग जोड़ी में नजर आते हैं, पर तस्वीर देखकर साफ समझ आता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। मैं जब भी सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव की तस्वीर देखता था, मुझे यही भाव आता था। ऐसे में दिमाग में रहता था कि जिस नरसिम्हा राव को कांग्रेस ने पूरी तरह से किनारे कर दिया, जिसकी होर्डिंग पर तस्वीरें नहीं, जिसका इतिहास में जिक्र नहीं, उन नरसिम्हा राव को अगर कभी मौका मिला होगा सोनिया गांधी से अपनी नाराजगी जताने का मौत से पहले, तो वो क्या बोले होंगे। बीते दिनों एक किताब पढ़ रहा था विनय सीतापति की, जिसमें ये प्रसंग आया और फिर कई सिरे जुड़ते गए। जब जुड़े तो लगा कि जरूरी भी है, और फिर वही वादा जो आपसे किया है कि जब भी ऐसा कोई किस्सा पढ़ूंगा तो सब सिरे समेट कर आप तक ले आऊंगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं lallantop.com के पॉलिटिकल किस्से, जिसमें आज बात नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी के आखिरी संवाद की और बात नरसिम्हा राव के आखिरी शब्दों की भी। शुरुआत होगी 24 नवंबर 2004 से। सुख भरे दिन तो कब के बीत गए। प्रधानमंत्री का पद कांग्रेस की अध्यक्षी सब जा चुकी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव परिवार समेत 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर रहते हैं। रहते क्या हैं? अक्सर अस्पताल में रहते हैं, क्योंकि बहुत बीमार रहते हैं। जून 2004 से ही जब तब एम्स में भर्ती होना पड़ता है, कभी किडनी, कभी दिल और कभी फेफड़े की शिकायत, बाईपास सर्जरी और इस तरह की चीज़ें तो पहले भी हो चुकी थी, लेकिन अब बार बार हालत खराब हो जाती है और तब उन्हें स्पेशल वार्ड में इलाज के लिए भर्ती होना पड़ता है। घर वालों के यहाँ उनसे मिलने कुछ खास लोग ही आते हैं, मसलन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मसलन मनिंदर जीत सिंह बिट्टा, जो राव के दौरान बहुत ताकतवर कांग्रेस नेता हुआ करते थे। ये जो आपने शुरुआत में नवंबर की तारीख सुनी, ये वो वक्त है जब राव ज़्यादा बीमार थे। उनकी पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो गया था, डॉक्टरों ने तगड़ी दवाई दी और इसका असर शरीर के साथ साथ दिमाग पर भी हुआ। अब ये बोल रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि शरीर और दिमाग अलग क्यों कर दिए, दिमाग भी तो शरीर का ही हिस्सा है, शायद सबसे ज़रूरी। जब ये सब हो रहा था तो नरसिम्हा राव पर क्या हो रहा था? वो चिड़चिड़े हो रहे थे। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी और बताने की बात है। जो नरसिम्हा राव को करीब से जानते हैं, वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्थिर प्रज्ञ, सुख में दुख में लगभग एक जैसा भाव रखने वाला। और ऐसा व्यक्ति अगर चिड़चिड़ा हो जाए तो अपनों का चौंकना स्वाभाविक है। इसी सब के बीच नरसिम्हा राव ने एक दिन अपनी बिटिया वाणी से कहा, ऐसे जीने का क्या फ़ायदा है, ये जगह जगह ट्यूब लगे हुए हैं, मशीनों के सहारे घिसट रहे हैं, तुम लोग क्यों मुझे जबरन खींच रहे हो। ये कहा और अगले रोज़ राव अस्पताल के अपने वार्ड में ही एक किस्म के सत्याग्रह पर बैठ गए। ये कुछ नया नहीं था, आज़ादी के पहले से उन्होंने सत्याग्रह किए थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे थे, पर ये अलग किस्म का सत्याग्रह था। वो बिस्तर के बगल की कुर्सी पर बैठ गए, पूरे दिन ना कुछ खाया ना पिया और बोले अब यहाँ से जाने का समय हो गया है। गई राव के सत्याग्रह की खबरें एम्स से बाहर, फैली दिल्ली में और पहुंची सोनिया गांधी तक, जिनके नेतृत्व में यूपीए ने अभी कुछ ही महीने पहले सत्ता पाई थी वाजपेयी को बेदखल करके। खबर पहुंची सबसे पहले यूपीए वन में शिवराज पाटिल, देश के गृह मंत्री, उनके पास। उनको फोन किया और फिर उन्होंने फोन किया राव के परिवार को और कहा कि मैडम विजिट करना चाहती हैं। मैडम यानी कि सोनिया गांधी। सोनिया आई, साथ में पाटिल भी थे और अहमद पटेल भी, उनके राजनीतिक सचिव। शिवराज पाटिल ने राव को पानी का गिलास दिया, बोले राव साहब पानी तो पी लीजिए। राव गुस्से में बोले, तुम लोग मुझ पर मस्जिद तोड़वाने का इल्ज़ाम लगाते हो और अब पानी पिलाते हो। राव चुप नहीं हुए, पूरी ऊर्जा समेट कर रुक रुक कर अस्फुट शब्दों में ही सही बोलते रहे। बोले, किससे गलतियां नहीं होती, मगर मुझे ऐसी गलती के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है जो मैंने की ही नहीं। दरअसल राव पर दाग लगा था कि उन्हीं के प्रधानमंत्री और कांग्रेस का मुखिया रहते बाबरी मस्जिद गिरी। राव के बारे में इस तरीके की अफवाहें, जी मैंने सोच समझकर शब्द का इस्तेमाल किया, अफवाहें फैलाई गईं
कि जब बाबरी मस्जिद ढाई जा रही थी तब वो पूजा के कमरे में बैठे थे। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो धोती के नीचे आरएसएस का खाकी निक कर पहनते हैं। राव सब सुनते रहे। बाद में उन्होंने किताब लिखकर अपना पूरा विवरण बताया, वो सारे जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू बताए, सारे वायदे बताए जो किए गए थे, जो बातें हो रही थी और किस तरीके से केंद्र सरकार के उनके हाथ बंधे हुए थे। बहरहाल वापस लौटते हैं, चूँकि उन्होंने कहा कि जिम्मेदार मैं नहीं था इसलिए मुझे लगा कि आपको बता दूं। एक बात और भी है जो आपको जाननी चाहिए कि जो लोग जानते थे कि राव उस वक्त क्या कर रहे थे उनसे राव ने मना कर दिया था कि इसके बारे में बहुत प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। विनय सीतापति ने अपनी किताब में लिखा है कि वो लगातार आईबी के और दूसरे अधिकारियों के संपर्क में थे, निर्देश ले भी रहे थे और दे भी, और ये कितना अप्रत्याशित था इस तरीके से मस्जिद का गिराया जाना उनके लिए कि सबसे पहले डॉक्टर जो उनके उनकी रोज़ाना जांच करते थे, खासतौर पे उनके दिल की जांच, वो आए और वो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, आप शांत हो जाइए, आप ये दवा खा लीजिए, ये सब खबरें सुन के आपके हृदय की गति बहुत तेज़ हो गई और ये आपकी सेहत के लिए ख़राब है। लोगों ने कहा कि राव पत्रकारों के मंत्रियों के फ़ोन नहीं ले रहे थे। राव के करीबियों ने कहा कि उन्हें पता था कि पत्रकार और मंत्री क्या कहेंगे, जबकि ज़रूरी उस वक्त ये था कि वो स्थिति पर नियंत्रण पाएँ, वहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल को भेजें, कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करें ताकि चीज़ों को जहाँ तक हुई हैं वहीं पर रोका जा सके। रुकता तो कोई है नहीं, सोनिया मैडम मिलने आई थी, वो भी रवाना हो गई 2:30 बजे रात में बातचीत करते करते। फिर राव को डॉक्टरों ने जबरन नींद का इंजेक्शन दिया, तब जाकर वो सोए। अगली सुबह उठे तो बेटे से बस एक बात बोले, कल रात में कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया था। ये नरसिम्हा राव हैं जिन्हें अपनी खामोशी के बीच भी व्यंग बाण छोड़ना आता है। पर कहानी आगे बढ़ेगी, तारीख आएगी 10 दिसंबर 2004। राव की तबीयत अब और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर दिल्ली में खबर फैल गई कि अब गए या तब गए जैसी हालत है। सोनिया गांधी का एक सहयोगी एम्स पहुंचा घर वालों से ये पूछने के लिए कि अंतिम संस्कार के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है, कहाँ करवाना चाहेंगे। परिवार वाले बिफर गए, बोले नरसिम्हा राव अभी जिंदा हैं, 10 रोज़ और आगे बढ़ते हैं, 20 दिसंबर 2004। राव अभी बस एक डोर भर से ज़िंदगी से बंधे थे, उनसे मिलने अभी भी लोग आ रहे थे। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनको वो सियासत में लेकर आए थे, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल बैकिंग उन्होंने दी थी। राव इन सबको देखते रहते, इनकी सुनते रहते, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। लेकिन एक कांग्रेसी नेता आया तो राव चैतन्य हो गए, बोलने लगे, और ये वो नेता था जिससे नरसिम्हा राव की दुश्मनी के किस्सों से अखबारों और पत्रिकाओं के पन्ने भरे रहते थे। ये नेता जिसका नाम था अर्जुन सिंह, ये नेता जो राव की कैबिनेट छोड़कर चला गया, अलग कांग्रेस बना ली और सोनिया युग में वापस आया। जब अर्जुन सिंह ने हालचाल पूछा तो राव की आंखें गीली हो गईं। वो सिर्फ इतना बोले, अर्जुन सिंह जी आपके घर आना है मुझे, वहीं तसल्ली से बात मुलाकात होगी। एक पुराना कॉल था, एक करार था कि घर पर आएंगे और बैठेंगे, लेकिन वक्त इंसान के कॉलों के मुताबिक नहीं चलता, अपनी गति से चलता है, उसकी अपनी स्क्रिप्ट होती है और उसकी स्क्रिप्ट के मुताबिक अगले रोज नरसिम्हा राव के इहलोक में गुजरने का, बरतने का समय बीत चुका था। परलोक की बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। 21 दिसंबर 2004, जिंदगी तसल्ली भर बीत चुकी थी, अब राव के जाने की वेला थी। वो आखिरी बार बोले भी नहीं, दरअसल पूछा मैं कहाँ हूँ। बेटा राजेश्वर कुछ जवाब देता उसके पहले खुद ही बोल पड़े, वंगारा में हूँ, माँ के कमरे में। वंगारा उनका गांव, माँ का कमरा उनका पालना, जहाँ से 28 जून 1921 को वो पहली बार बोले थे, यदि बच्चे के क्रंदन को आप बोलना कहें तो। राव शांत हो गए, मेडिकली अभी भी वो जिंदा थे, पर ये आखिरी शब्द थे जो उन्होंने बुदबुदाए, और 23 दिसंबर 2004 को नरसिम्हा राव का देहांत हो गया। ये एक आखिरी वाक्य उनके एकांत में इकलौता ज़रूरी खलल है। तथ्य तो वैसे भी राव को पसंद रहे हैं, तथ्य और सत्य, इन्हीं के सहारे उन्होंने कई भाषाएं सीखी,
कई सियासतदाओं के जमाने में बने रहने का, बचे रहने का गुर सीखा, वकालत सीखी, सियासत में भी खूब सफल रहे। अपने हिस्से के तथ्य और उनसे बनते सत्य, उनकी सीमाएं, उनकी संभावनाएं, और इन सब के बीच पमुलपति वेंकट नरसिम्हा राव। अब बात उस बात की जो मुझे आज भी जरूरी लगती है। कांग्रेस अक्सर नरेंद्र मोदी पर तंज कसती है कि मोदी की भाजपा बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखती, ठीक कसती है, किसी राजनीतिक विरोधी को बख्शना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक आडवाणी कांग्रेस में भी हैं जिन्हें मार्गदर्शक मंडल में भी रखने की जो सभ्यता थी या राजनीतिक शिष्टाचार था, भले ही वो कितना ही छद्म क्यों ना हो, उसको नहीं निभाया गया। कांग्रेस खरोच खरोच के नरसिम्हा राव से जुड़ी हर याद को अपने जेहन से मिटाने की कोशिश करती है, मगर इतिहास किसी पार्टी या किसी व्यक्ति की इच्छाओं का रेहन नहीं होता। और इसलिए कांग्रेस याद ना करे, करे देश नरसिम्हा राव को याद करता रहता है अलग अलग वजहों से। कोई मौनी बाबा कहे, कोई बाबरी मस्जिद के ढहने के लिए जिम्मेदार कहे, कोई इसराइल के साथ मजबूत राजनयिक संबंधों की शुरुआत करने वाला कहे, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज में बदलाव लाने वाला कहे, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब की तैयारी को तेज़ी देने वाला कहे, कोई कांग्रेस को यूपी में कमज़ोर करने वाला कहे बसपा से गठबंधन करके, कोई कुछ भी कहे, बस ये याद रखे कि नरसिम्हा राव पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल के मास्टर थे। मास्टरों की कहानी, स्टूडेंट्स की कहानी, और इस स्टूडेंट की कहानी जो कभी नए कभी पुराने अखबार के पन्ने, किताबें, पत्रिकाएं सिर्फ इस सात्विक लोभ के साथ पलटता रहता है कि कुछ पढ़ेगा और फिर लपक कर आएगा और आपको सुनाएगा। सुना दिया एक और किस्सा नरसिम्हा राव का, पर यह पूर्ण विराम नहीं है नरसिम्हा राव के किस्सों का, बहुत कुछ है उनके बारे में जो बताना ज़रूरी है। ये बातें, ये सिलसिला, ये पॉलिटिकल किस्से यूं ही चलते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, पसंद आए ना आए आपकी जो राय हो वो ज़रूर दें ताकि हमें सुधार के लिए कुछ सुझाव मिल सकें। शुक्रिया।